राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सनेलता राजगढ़ से माँ बेटी रसोड़ा में भुगड़े के परांठे बनाने जा रही हूँ। आइए चलिए हमारी किचन में। सबसे पहले हम 2 कटोरी बुगड़ा लेंगे। अब इनको मिक्सी के जार में बारीक पीस लेंगे। अब हमने इसको एकदम बारीक पीस लिया है। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे, इसका छिलका अलग हो जाए। इसमें साफ़ किए हुए बुगड़े भी ले सकते हैं। हमने हमारा सभी सामान इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, बारीक कटी हुई लहरी मिर्च, नींबू रस। अब हम बिना प्याज का स्टफ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए अलग रख देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमारा बुगड़े का स्टफ बनके तैयार हो गया है। हम हमारा आटा लगा कर तैयार करेंगे। अब लेंगे हम 2 कप आटा। अब हम ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। आते हैं स्पेशल राजस्थानी भुगड़े के परांठे। अब हम इसमें 2 चम्मच स्टफ भरेंगे। अब इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब हम इसको दबाकर, हल्के हाथों से दबाकर भर देंगे। अब इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब हम एक साइड से लो फ्लेम पे सेक लेंगे, दूसरी साइड से भी बटर लगाकर लो फ्लेम पे सेक लेंगे। अब हमारा गोल्डन ब्राउन पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये सिक्कर कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे पराठे को इसको बटर लगाकर सर्व करेंगे। अब हमारा राजस्थानी भुगड़ा भुगड़ा का पराठा तैयार हो गया है। अब हमारा पराठा दही और चटनी के साथ खाने के लिए तैयार है। अब हमारा राजस्थानी पराठा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।